कर्थका ने 5 ट्रेन दी थी पर डे, एक ट्रेन में सिर्फ 1200 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मैंने करना जरूरी है। इस प्रकार से स्थिति बनी है, अगर आप ट्रेन से लाए तो 6-8 महीने लगेंगे। हमने सबको रिक्वेस्ट करी है कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो लोग फंस गए हैं अचानक लॉकडाउन होने से, चाहे वो धार्मिक यात्रा में गए हों, चाहे वो व्यापार के लिए गए हों, चाहे वो टूरिज्म के लिए गए हों, अचानक कोई काम से गए और वापस फंस गए वो, और मजदूर जो रास्ते में कैंपों में हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार ने छूट दिए ट्रेनों से। और इसमें शर्त यह कि राज्य सरकारें आपस में अग्री करेगी तभी आदान प्रदान हो सकेगा। इसलिए इसमें कोई दिक्कत आ रही है आप लोग देख रहे होंगे अखबार के अंदर भी। और दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कुछ 50-60 हजार लोग जब आने लगे उसमें बिना कोई इतला के सीधे आ गए और वो सीधे अपने गांव में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई हॉटस्पॉट बने हुए कई मुल्क के अंदर, कई राज्यों के अंदर, जैसे बम्बई भी, सूरत भी, अहमदाबाद भी है और भी राज्यों में दक्षिण के अंदर है। तो अगर इस प्रकार लोग बगैर परमिशन के आएंगे और गांव में जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो गांव में आज हम बचे हुए हैं कोरोना से, उसमें फैलने में वक्त नहीं लगेगा। और यही कारण है कि हमने कुछ बंदिश लगाई है, हमने सबको रिक्वेस्ट किया है कि पहले उनको आने दें जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जिसके कारण से ट्रेनों की बात हमारी मांग को स्वीकार भारत सरकार ने किया है। सर जो है दोनों राज्य सरकारें उसके लिए एग्री करें, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर रोज बात होती है, जो जो राज्य सरकार एग्री करती जा रही है वहाँ हम लोग भेज भी रहे हैं, वहाँ से बुला भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या उनकी है जो लोग वहाँ रहते हैं पहले से ही। हमने कहा पहले आप धैर्य रखें, आपका वहाँ रेजिडेंट भी है, रहते भी हैं, परिवार भी है, और ये आएंगे तो 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा आपको, तो पहले उनको आने दें जो कि फंसे हुए लोग हैं वहाँ पर। और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई सील नहीं की गई सीमाओं को, सील करने का हमने मैसेज दिया था जिससे कि बाकी लोग समझ रहे हैं कि बिना परमिशन के रवाना हो गए तो हमें तकलीफ आगे आ सकती है, जिससे कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको आने में सुविधा रहे। इस रूप में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन जो बनाए गए हैं भारत सरकार ने, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल जो भारत सरकार, राज्य सरकार या देश के अंदर मिलकर काम कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने विश्वास दिलाया है प्राइम मिनिस्टर को लिख करके, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो ये कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI, कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी, JDU, कोई पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां मिलकर के पूरे देश में एकजुट है, पूरे देश के तमाम जाति धर्म के लोग हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे, तभी ये विजय संभव है कोरोना की। मुझे यकीन है कि जो माहौल देश में बना है, तमाम एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है पक्ष विपक्ष का। मैं उम्मीद करता हूँ उसी भावना के साथ में, और जो सुझाव आते हैं चाहे कोई पार्टी दे केंद्र सरकार को, उनको अन्यथा नहीं लाना चाहिए, और चाहे हमें कोई दे अन्य पार्टियां सुझाव, हम उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं हमें फीडबैक मिला है उसके हिसाब से हम उनको नोट करके कार्रवाई करना चाहते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार शुरुआत मैंने करी थी, सबको साथ लेके हम लोग बैठे और सबकी राय से हम लोगों ने बाद में लॉकडाउन किया। धर्मगुरुओं को कहा तो मुझे खुशी की बात की है कि उन्होंने, हमने कहा आप पूजा पाठ करना हो, इबादत करनी हो, प्रे करनी हो, भजन कीर्तन करने हो गुरुद्वारे में, आप खुद करें अंदर, और अपने फॉलोअर्स को कहें वो घरों में रहें। लॉकडाउन बहुत कामयाब रहा, उसकी भी एक सीमा होती है। आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आपको मालूम है कि क्या स्थिति बनी होगी गांवों के अंदर, घरों के अंदर, कच्ची बस्तियों के अंदर, कैसे लोग रहते होंगे, छोटे छोटे कमरों के अंदर, बड़े बंगले होते नहीं हैं तो कैसे टाइम बिताते होंगे,
पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसके बगैर आप इसका जंग जीत नहीं पाएंगे। हम सब जो है किस प्रकार मैसेज देने में कामयाब रहें वो मैं प्रयास करना है। आज वीसी के अंदर हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं और डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं अपने निवास पर, मंत्री लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप सबकी बातें वो सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू अपने विभाग के अंदर वो क्या कर सकते हैं उस पर आशा नहीं रहेगी कि आप लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी आपके सुझाव के आधार पर काम करने में आसानी रहेगी। यही बात कहता हूँ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं शुरू करता हूँ उदयपुर डिवीजन से। और हमारे पहले स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात कह के अपनी बात शुरू करें। सीपी जोशी साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी साथीगण, मैं मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बीसी के माध्यम से सबसे इंटरेक्ट करने का जो अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सरकार ने अभी प्रयत्न किए, राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जो खास बात ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी एक्सपर्ट की राय आ रही है वो इस बात को इंगित कर रही है कि हमें इस कोविड के साथ रहना पड़ेगा। जब रहना पड़ेगा तो हमारी जितनी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, उसमें आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम जो साथी बैठे हुए हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के मन में जो डर है उस डर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक जो शोध है वो बता रहा है कि केवल मात्र कुछ परसेंट के लोग जिनकी एज ज्यादा है या जो नौजवान जो छोटे बच्चे हैं उन पर ज्यादा इसका इंपैक्ट होगा और बाकी लोगों को धीरे धीरे इसके एंटीबायोटिक अपने बॉडी के अंदर जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो वो अपने आप इस बीमारी का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि चाहे सरकार में हो लेकिन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस प्रदेश की जनता में ये डर मिटाना पड़ेगा और हम कैसे इस बीमारी के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ा सके, इस बारे में हम सबकी भूमिका का निर्माण करना पड़ेगा। मैं खास तौर से जो अभी लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट बना हुआ है कि हमें अपने गांव में आना है, क्योंकि राजस्थान के बहुत ज्यादा लोग बाहर बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस में रहना चाहते हैं वो एक तबका है, जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए वो आ रहे हैं वो दूसरा तबका है, और तीसरा तबका जो सबसे बड़ा है वो ये है जहां पर हमारे मेट्रोज हैं, चाहे वो बंबई है, चाहे सूरत है, चाहे पूना है, जहां हमारे बहुत से गांव के लोग, राजस्थान के लोग जो बाहर चले गए हैं वो अर्बन इलाके में काम कर रहे थे, अर्बन इलाके में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनके संबंध में सरकार को बड़ी नीति बनाने की आवश्यकता है। चाहे जयपुर का आदमी कहीं छोटे गांव में चला गया, चाहे बंबई का आदमी राजस्थान में आ रहा है, वो सबसे बड़ा जो आदमी है जो डेली वेजेज अर्नर था वो डेली वेजेज अर्नर के संबंध में हमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। रूरल इलाके में नरेगा की योजना हमारे पास है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट की योजना है, उस योजना का लाभ हमें राजस्थान में जो हमारी जितनी वाटर बॉडी है हर पंचायत में उसको डिसेटिंग करके वाटर बॉडी को हमें आने बरसात में पानी इकट्ठा करने के लिए काम करना चाहिए बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर वातावरण की दृष्टि से ट्री प्लांटेशन का काम लेकर हमें लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन ये काम तो होगा केवल मात्र रूरल इलाके के अंदर, पर जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो अर्बन इलाके से आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी दुकान पर काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, उन लोगों की जीवन को आगे चलाने के लिए हमें नए सिरे से खूब व्यवस्था करने का काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले इस संबंध में भी हम चर्चा करें कि कैसे ऐसे लोगों के जीवन में जो कि आज गांव में काम नहीं कर सकते हैं, जो मैन्युअल लेबर नहीं कर सकते हैं, जो सेमी स्किल आदमी है, जो कुछ काम अर्बन में इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई किसी के रोटी बनाने का काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं उनके संबंध में हमें कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। और खास तौर से जो एमएसएमआई में काम करने वाले लोग हैं उनके संबंध में मैं सोचने की आवश्यकता है।